बिल्कुल सही टाइम में हम लोगों को कैब मिला। जैसे ही हम लोग कैब में आए, देखो बारिश स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट के अंदर और यह है ओसन ग्रिल। यहाँ का सी फूड बहुत फेमस है और मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझसे ज्यादा आने का मन मम्मी को था। मम्मी को सी फूड बहुत पसंद है। वैसे मैं बता दूँ, मम्मी को बाहर निकले हुए 4 या 5 महीना हो गया ना, 7 महीना के पास हो गया। लास्ट जनवरी में तुम आई थी ना, 1 जनवरी को समथिंग। 6 या 7 महीने से मम्मी बाहर निकली ही नहीं थी, बस अपने काम से ही बैंक वगैरह जाना होता तो जाती थी। और अगर मैं बात करूँ इनके मेन्यू का, तो यहाँ पे आपको मेन्यू कोई मिलेगा नहीं, आपको अपना नंबर देना होगा और जो भी इनका मेन्यू वगैरह है वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या है, क्या बूफे प्राइस है, जो भी कुछ होगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले मैं देख लो क्या क्या है। तब तक आप लोग एक काम करो, मैंने अंदर में कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिया है, उसको एंजॉय करो। आप लोगों को अंदर का शॉर्ट्स वगैरह अच्छा लगा हो। और अभी मैं बैठता हूँ अपने टेबल में जाकर। तो ये जो रेस्टोरेंट है ओसन ग्रिल, यहाँ पे मिलता है आपको अनलिमिटेड सी फूड, जिसमें आपको चिकन मटन का भी ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली ये जो फेमस है सी फूड के लिए है, तो इनका जो बूफे प्राइस है वो 599 रुपीज करके है, और साथ में इनका कुछ एड ऑन का भी ऑप्शन है। वीडियो को एंड तक देखो, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या एड ऑन प्राइस है इनका और टोटल कितना बिल वगैरह आ रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो जब सब कुछ नॉर्मल था तो ये इनका बूफे काउंटर हुआ करता था। कुछ भी नहीं है, देख लो पूरा खाली है, सब कुछ आपके टेबल पे ही सर्व हो रहा है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वेज क्रोकेट्स, चिली पोटैटो, ये हो गया चिकन विंग्स, बारबेक्यू चिकन विंग्स, बारबेक्यू चिकन विंग्स। भाई देखकर बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये तो। तो ये आ चुका है हम लोग का स्टार्टर्स, ये वेज कोकेट्स, फिश कोकेट्स, चिली पोटैटो, ये चिली विंग्स और साथ में ये मेयोनीस। तो सबसे पहले टेस्ट करता हूँ इनका ये फिश कोकेट्स, थोड़ा सा मेयोनीस। काफी चीजी चीजी है। अब देखता हूँ ये वेज कोकेट्स कैसा है। बेसिकली दोनों ही बहुत ही चीजी है। अब देखता हूँ ये चिली पोटैटो कैसा है। फैंटास्टिक चिली पोटैटो इन लोगों का वाकई बहुत ही टेस्टी है। चटपटा तो है ही लेकिन थोड़ा तीखा भी है, सही लग रहा है। अब देखता हूँ ये इनका विंग कैसा है। चिकन के ऊपर ये जो ग्रेवी लगा है ना, उस वजह से चिकन बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन चिकन को थोड़ा चबाना पड़ रहा है, मतलब चिकन उतना भी सॉफ्ट नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इस चिकन विंग के ऊपर जो सॉस है ना, उसके वजह से तो बहुत कमाल का लग रहा है ये। अब जल्दी से इसको खत्म करता हूँ, अब इसके बाद जो भी आता है तो मैं दिखाता हूँ। मम्मी कैसा लगा इनका स्टार्टर्स? अच्छा है। क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा तुमको? चिली पोटैटो। तो जैसा कि मैंने कहा, इनका चिली पोटैटो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं अपना पहला वाला जो स्टार्टर्स है उसको खत्म ही कर रहा था, तो यहाँ पे देख लो ये सारे आइटम आ गए। ये हो गया स्क्विड रिंग, ये मटन शामी कबाब, और ये जो है स्टर फ्राई मोरोला कोई फिश है। अच्छा, तो ये एक और वापस से एक मेयोनीस आ चुका है स्क्विड के लिए। और एक कमाल की चीज दिखाऊं, वो सीधा देखो बारबेक्यू नेशन। ऑलराइट, तो यहाँ ये वेलकम ड्रिंक भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं ट्राई इस स्क्विड रिंग को करता हूँ इस मेयोनीस के साथ। अमेजिंग यार, कमाल का है। मतलब इस स्क्विड का जो ऊपर का लेयर है ना, काफी क्रिस्पी है, मतलब मेयोनीज के साथ तो बहुत कमाल का लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, ऊपर एकदम क्रिस्पी और अंदर एकदम सॉफ्ट। तो इधर जब भी आते हो तो ये क्रिस्पी स्क्विड ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, जरूर ट्राई करना इसको। अब देखता हूँ ये मटन शामी कबाब कैसा है।
नहीं, ये मटन शामी कबाब मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। देखता हूँ ये स्टर फ्राई मोरोला फिश कैसा है। ये भी बहुत ही क्रिस्पी है और साथ ही मस्टर्ड का फ्लेवर भी आ रहा है। मुझे मस्टर्ड फ्लेवर वाला कोई भी आइटम ज्यादा नहीं पसंद। तो ये आ चुका है गोल्डन फ्राई प्रॉन्स और उसके साथ कोई तो ये स्पेशल एक चटनी आया हुआ है। वैसे मैं बता दूं ये आपको बूफे में नहीं मिलता है, एक इनका एड ऑन मेन्यू है जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा। इसको एड करवाने के लिए जो भी आपका बूफे प्राइस है उसमें +99 आपको एड करवाना होगा, उसके बाद अनलिमिटेड आप ये खा सकते हो। ये गोल्डन फ्राई प्रॉन्स ये मैंने डिप कर लिया। तो ये जो प्रॉन्स है मुझे कमाल का लगा, स्पेशली ये जो चटनी है ना, ये चटनी के वजह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ भी बोलो, मज़ा आ गया खा के। तो मैंने एक और बार अपने लिए ये स्क्विड रिंग मंगवा लिया है। ऑलराइट, तो इनका स्टार्टर्स मैंने कर लिया है कंप्लीट। अब देखते हैं इनका मेन कोर्स में क्या क्या आता है, जो भी आएगा मैं दिखाऊंगा। वैसे कमेंट करके बताओ इनका एम्बियंस कैसा लगा आपको। और ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हो ना, ये देखो बेसिकली ये दीवार नहीं है, लकड़ी का बना हुआ है। तो ये देखो ये मेरे मेन कोर्स के लिए यहाँ पे प्लेट लग चुका है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ग्रिल मशीन भी बैठता है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए सब कुछ आपको टेबल पे ही बना बनाया मिलेगा। तो ये सबसे पहले ये आ गया मेन कोर्स के लिए हम लोगों का ग्रीन सैलड, थोड़ा सा बस। तो ये एक करी है, चिकन चंगेजी, ये चिकन चंगेजी थोड़ा सा दीजिएगा बिल्कुल। ये हॉट गार्लिक फिश, तो देख लो ये मेरा मेन कोर्स आ चुका है यहाँ पे। हमें रोटी आ गया, अब देखता हूँ इनका मेन कोर्स कैसा है। तो सबसे पहले इस स्टीम राइस को इस चिकन चंगेजी के ग्रेवी के साथ करता हूँ टेस्ट। काफी हद तक घर जैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन ये जो चिकन चंगेजी का जो ग्रेवी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इनके पास वेज का भी ऑप्शन है, उन्होंने मुझसे पूछा भी आपको वेज में कुछ चाहिए या नहीं, बट हम लोगों ने मना कर दिया। खैर अब देखता हूँ इस हॉट गार्लिक राइस के साथ इस हॉट गार्लिक फिश को ट्राई करके। ये जो हॉट गार्लिक राइस है ये काफी सही चीज है यार, ये तो मैं बिना किसी ग्रेवी के साथ भी खा लूंगा। और अगर मैं बात करूँ इस हॉट गार्लिक फिश का, बहुत ही सॉफ्ट है और टेस्टी भी बहुत लग रहा है। ये जो हॉट गार्लिक फिश है इसको मैं दोबारा से लेने वाला हूँ। बस अपने इस लंच को मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद कुछ भी आता है तो मैं दिखाता हूँ। मेन कोर्स के लिए इनके पास आइटम मुझे कम लगा, लेकिन जितना भी आया हर कुछ काफी टेस्टी है। तो ये अलग से मैंने पेप्सी लिया है और मुझे तब से लग रहा था ये जो पाइप है ना इसके अंदर है, लेकिन ये देखो ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये देख लो डिजर्ट में ये सारे आइटम है, ये बेक्ड अलास्का, ये कैरेमल कस्टर्ड, ब्राउनी। सबसे पहले इस ब्राउनी को करते हैं टेस्ट। ब्राउनी जितने स्पंजी होना चाहिए उतना नहीं है। देखता हूँ ये कैरेमल कस्टर्ड कैसा है। ओ भाई ये तो काफी इजिली टूट गया। तो ये जो इनका कैरेमल कस्टर्ड है एक नंबर है यार, बहुत सही लगा। अब देखता हूँ इनका ये बेक्ड अलास्का कैसा है। बहुत कुछ मिक्स है इसके अंदर। अब ये सब जल्दी से खत्म करता हूँ, उसके बाद जब बिल आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टोटल कितना हुआ। तो ये आ चुका है मेरा बिल, तो दिखाता हूँ कितना आया टोटल। तो ये देख लो टोटल आया है 1549, जिसमें हम लोग का ये समर बुफे था 599 करके दो जगह, जो कि टोटल हुआ 1198। उसके बाद जो हम लोगों ने एड ऑन सी फूड किया, जो मैंने बोला ना गोल्डन फ्राई प्रॉन्स 99 रुपीज करके, तो दो जगह 198। दो ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोगों ने लिया, ठीक है चलो इसको पेमेंट करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। ऑलराइट, तो मेरा खाना वगैरह हो गया है कंप्लीट और अपना बिल वगैरह भी मैंने कर दिया है पे। तो अब अगर मैं बात करूँ इनका ये जो बूफे था वो रिजनेबल था कि नहीं था, एक बात तो मैं बोलूंगा ऑप्शन इनके पास काफी कम था, और भी ऑप्शन हो सकता था इनके पास। यहाँ पे जो भी मैंने आइटम सब ट्राई किया वो हर कुछ अनलिमिटेड था, मैं जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकता था। तो जितना एक आदमी खा सकता है उस हिसाब से तो मेरे को बहुत ज्यादा ही लगा। अगर आपको वेराइटीज ज्यादा चाहिए कि नहीं मेरे को बहुत सारा वेराइटीज चाहिए, तो उस हिसाब से उतना रिजनेबल नहीं लगा। आप कमेंट करके बता सकते हो आपको रिजनेबल लगा कि लगा। चलो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख लियोगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अगर यहाँ तक देख लियोगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस रेस्टोरेंट का लोकेशन वगैरह सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।